वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्केप सीक्वेंस पे। हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग्स के ऊपर बहुत अच्छी डिटेल में डिस्कशन की थी, जहाँ पे हमने ये बताया था कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर इस चीज़ को जानते हैं कि कोई चीज़ हम अगर सिंगल कोट के अंदर लिखें तो वो स्ट्रिंग है, अगर कोई चीज़ डबल कोट के अंदर लिखें तो वो भी स्ट्रिंग कंसिडर की जाती है, और जो चीज़ हम ट्रिपल कोट के अंदर लिखें वो भी स्ट्रिंग है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर इस तरह की स्ट्रिंग्स को जाने देते हैं और उसके ऊपर कोई एरर जनरेट नहीं करते। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हमने एपोस्ट्रॉफी को यूज़ करना होता है। एपोस्ट्रॉफी यानी ये जो कॉमा हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो हेलो लिखा हुआ सिंगल कोट्स के अंदर इट्स ओके फाइन, इंटरप्रेटर इसको जाने देगा। डबल कोट के अंदर हेलो वो भी ठीक है, ट्रिपल कोट के अंदर आई एम लॉन्ग टेक्स्ट लिखा हुआ है इट्स ओके फाइन, कंपाइलर इंटरप्रेटर इसको कुछ नहीं कहेंगे, जाने देंगे। लेकिन क्या होगा अगर हमने इट्स लिखना है, यानी बीच में हमने कॉमा डाल के एस डाल। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे इंटरप्रेटर के लिए ये हो जाता है कि वो हमेशा पेयर ऑफ कोट्स को ढूंढता है, चाहे वो सिंगल कोट हो, डबल कोट हो या ट्रिपल कोट हो। यानी एक को वो स्टार्टिंग कंसिडर करता है और सेकेंड वन को वो एंडिंग कंसिडर करता है। अब यहाँ पे सिंगल कोट स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद इट लिखा हुआ है, उसके बाद फिर एक सिंगल कोट आ रहा है, तो वो इसको यही कंसिडर करता है कि ये इट है, सिंगल कोट के अंदर इट लिखा हुआ, ये स्ट्रिंग है। अब उसके बाद जो एस और अगला कोट है वो कहता है कि ये रबिश है, मैं इसको नहीं जानता, तो एरर जनरेट हो जाता है। अब इट्स के बाद अगर नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखें, यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, एक्चुअली हम इल को डबल कोट के अंदर ही प्रिंट कराना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं। लेकिन होगा कुछ यूं कि डबल कोट को देखेगा इंटरप्रेटर, कहेगा ठीक है फाइन, उसके बाद ही इसको देखेगा, उसके बाद फिर इसको एक डबल कोट मिल जाएंगे और वो समझेगा कि ये क्लोजिंग है, यानी यहाँ ही इसको वो कंसिडर करेगा कि ये स्ट्रिंग है। लेकिन एल और उसके बाद के डबल कोट्स उसकी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए हमें एरर मिलेगा। तो इसका सलूशन क्या है? तो इसके सलूशन के लिए जनाब आ गई हमारे पास बैक स्लैश, नॉट फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश जो फॉलिंग बैक की तरफ होती है, आपके एंटर की के ऊपर होती है ये। अब हमने कोड के अंदर ये इंटरप्रेटर को ये बता दिए हैं कि बैक स्लैश जहाँ भी तुम्हें नज़र आए तो उसके आगे जो कुछ भी होगा वो उसकी स्ट्रिंग है, एज इट इज़ प्रिंट कर देना, जाने देना, रोकना नहीं। तो हम अलाउड हैं इस चीज़ के लिए कि हम एपोस्ट्रॉफी को डाल सकें। अब हम जब लिखेंगे कि सिंगल कोट आई टी इट यानी फिर बैक स्लैश और उसके बाद जो कोट आ रहा है, अब बैक स्लैश की वजह से इंटरप्रेटर जानता है कि उसके बाद जो हमारे पास सिंगल कोट आया हुआ है उसको एज इट इज़ उसने प्रिंट करना है और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद एस के बाद जो कोट है वो उसको क्लोजिंग टैग के तौर पर लेगा। एक प्रॉब्लम हमारे लिए एक और होता था जब हमने न्यू लाइन पे जाना होता है। जब हम न्यू लाइन पे जाने के लिए, जैसे ही अगर हमने ये सपोज लिखा हुआ है सिंगल कोट, उसके बाद नेम लिखा हुआ, और अगर एंटर करके हम न्यू लाइन पे चले जाएँ तो उसको हमें जो है एक एरर जनरेट हो जाता है, क्योंकि उसके सेकंड वाला उसको उस लाइन पे जब नहीं मिलता तो वो हमें एरर जनरेट कर देता है। तो बैक स्लैश के बाद अगर हम एन लिखें तो उसे ऑटोमेटिकली हम यानी एज न्यू लाइन पे चला जाएगा और एरर भी जनरेट नहीं होगा, तो हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो बैक स्लैश ने जनाब हमारे तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिए। अगर हमने एपोस्ट्रॉफी डालनी है तो बैक स्लैश डाल दे, और अगर हमने नेम के बाद सपोज हम नेक्स्ट लाइन पे जाके एज को डालना चाह रहे हैं तो स्लैश एंड डाला जब तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, कोई एरर जनरेट नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम एक टैब का डिस्टेंस देना चाह रहे हैं तो भी हम अगर बैक स्लैश और टी डालेंगे तो वो एक टैब का डिस्टेंस दे देगा और एरर जनरेट नहीं होगा। तो स्केप सीक्वेंस ने हमारी प्रॉब्लम्स तीनों हल कर दिए, यानी एपोस्ट्रॉफी वाला, न्यू लाइन वाला और टैब वाला। तो अब इसको कोड करके देखते हैं ताकि और भी हमें क्लैरिटी मिल सके। यहाँ पे एसटीआर वन का वेरिएबल हमने जो बनाया हुआ है इसके अंदर हमने डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है इट, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी है, उसके बाद एस है और डबल कोट बंद हो गया, इट्स फाइन। इंटरप्रेटर को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उसके पास डबल कोट की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो आप इसको रन करके देखें तो आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा, ये सक्सेसफुली रन हो गया, ये आउटपुट आप देख सकते हैं। अगर आपने बाहर सिंगल कोट डाले हैं और अंदर डबल कोट डाले हैं इट्स आल्सो फाइन, यहाँ पे भी आपको कोई एरर नहीं आने वाला, ये बिल्कुल सही तरीके से कोड चलेगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि हम कोशिश करें कि अगर हमने बाहर सिंगल कोड यूज़ किए हुए हैं तो अंदर अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम डबल कोड यूज़ करें, और अगर बाहर हमने डबल कोड यूज़ किए हुए हैं तो अंदर आपको अगर ज़रूरत पड़ती है एपोस्ट्रॉफी की तो फिर आप सिंगल कोड यूज़ करें।
लेकिन बार डबल होने मस्ट हैं। अगर बार डबल हैं तो अंदर सिंगल, और अगर बार सिंगल हैं तो अंदर डबल कोट आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू यहाँ पे आएगा str3 में। यहाँ पे हमने सिंगल कोट यूज़ किए हुए हैं, बाहर भी और अंदर भी अपोस्ट्रॉफी डालने की कोशिश की है, तो यहाँ पे हमारे पास रेड स्विगली लाइन ही हमें यहीं पे बता रही है कि जी हमारे पास एरर आने वाला है। आप इसके ऊपर यहाँ पे कर्सर रखें, ऊपर आप स्टेटमेंट पढ़ें। वो फर्स्ट वन कहता है कि स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाई न्यू लाइन्स और सेमी कॉलन्स। दूसरी बात वो कहता है कि स्ट्रिंग लिटरली इज अनटर्मिनेटेड। ये है आपका नोट करने का पॉइंट, यानी वो कहता है कि ये जो स्ट्रिंग लिटरल है, ये सिंगल कोड, ये जो है वो यहाँ पे वो उसको समझ रहा है कि ये जो सेकंड वाला आया तो यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है, और एस के बारे में वो कहता है कुछ नहीं पता क्योंकि इसके बाद जो सिंगल कोट है वो अनटर्मिनेटेड है, वो बंद ही नहीं हुआ, वो इसको इस सेंस में ले रहा है। तो अब इस तरह आपकी प्रॉब्लम में अगर आप मस्ट भी चाहते हैं कि यहाँ पे आप डालें, तो इसके लिए आपके पास स्केप सीक्वेंस है, फिर आप उसको यूज़ करें तो ये आपका रिमूव हो गया। ठीक है, आप देखें रेड लाइन चली गई है। अब आप इसको रन करके देखें तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जी अगर आप चाहते हैं न्यू लाइन पे जाना, अब यहाँ पे जी हम कह रहे थे कि डू यू वांट टू गो टू न्यू लाइन, हमने यहाँ पे जी एंटर किया और न्यू लाइन पे ले गए, लेकिन रेड लाइन बता रही है कि जी प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम है भाई। आपने एक छोटा सा जुर्म किया है लेकिन यहाँ पे जनाब आपके पास प्रॉब्लम्स का ढेर लगा हुआ है। ये देखिए व्यू प्रॉब्लम्स को करें, पहली बात वो कह रहा है जी स्ट्रिंग लिटरल इज अनटर्मिनेटेड, वही प्रॉब्लम के डबल कोट स्टार्ट हुए और एंड ही नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप व्यू प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। आप इन सारों को रीड करके देख लीजिएगा, 5-6 प्रॉब्लम आपको देगा। पहली बात वो कहता है कि ये जो प्रिंट आका जो फंक्शन था, इसकी आपने पैरेंथेसिस स्टार्ट किए हैं तो भाई दूसरे वाली किधर है, मुझे तो मिल ही नहीं रही, यानी वो सेकंड लाइन पे तो जाएगा ही नहीं, इसलिए इसको डेफिनेटली दूसरी तो नज़र ही नहीं आनी, तो आपको कहेगा कि ये जी एक प्रॉब्लम है, आपने दूसरी डाली हुई नहीं है, बेशक आपने न्यू लाइन पे डाली हुई है। दूसरी चीज़ मेन जी कि स्ट्रिंग लिटरल इज अनटर्मिनेटेड, यानी डबल कोट स्टार्ट हुए तो डबल कोट एंड नहीं हुए, तो जी वो आपको यहाँ से आगे नहीं जाने देगा एट एनी कॉस्ट। तो अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए वही है जी हमारे पास हल है कि हम स्केप सीक्वेंस का यूज़ कर लेते हैं। अब अगर ये आप ये समझ रहे हो ना कि यहाँ पे कंडेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो आप बेशक ये भी करके देख लेंगे, तब भी आपके पास रेड लाइन आ रही है, इट मीन्स कि प्रॉब्लम इज देयर। अब अगर आपने न्यू लाइन पे जाना है तो सिंपल आप ऐसा करें कि बैकस्पेस डालें और उसके बाद एन लिख लें, और जो आपका ये न्यू लाइन वाला है आपको न्यू लाइन पे मिलेगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसको रन करके देखिए तो आपके पास न्यू लाइन जो है वो न्यू लाइन पे चला गया। और अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि डिस्टेंस देना चाहते हैं एक टैब का, तो आप क्या करेंगे बैक स्लैश डाल के टी लिख देंगे, तो आपके पास एक टैब का डिस्टेंस आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं और आप देखिए कि यहाँ पे एक टैब का डिस्टेंस आ चुका है। तो एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि अगर हमने बाहर सिंगल कोड यूज़ किए हैं तो अंदर हम डबल कोड यूज़ करेंगे, अगर बाहर आपने डबल कोड यूज़ किए हैं तो अंदर सिंगल कोड यूज़ करेंगे, अगर आप एरर से बचना चाहते हैं। अदरवाइज फिर आप स्केप सीक्वेंस का यूज़ कीजिए, अपोस्ट्रॉफी लगानी है जहाँ तो वहाँ पर स्केप सीक्वेंस ये बैक स्लैश डाल दीजिए और उसके बाद कुछ भी लिख लें। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ आप अपने कोड में कोई बैक स्लैश दिखाना चाहते हैं तो आप बेशक एक यहाँ पे एक और बैक स्लैश डालें, तो वो इसको क्या करेगा क्योंकि इसने बैक स्लैश के फौरन बाद वाली चीज़ को स्ट्रिंग के तौर पे लेना है और एज इट इज़ प्रिंट कर देना है, तो अब आपके पास एक बैक स्लैश यहाँ पे वो प्रिंट करके दे देगा। ये यहाँ पे देख लें, ठीक है, बैक स्लैश के बाद कुछ भी आप लिखेंगे उसको वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो आप इसको काम में ला सकते हैं, न्यू लाइन पे भी जाने के लिए आप बैक स्लैश और एन का यूज़ करें, और टैब का डिस्टेंस देना है तो वहाँ पर बैक स्लैश और टी का डी यूज करें। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम स्ट्रिंग्स की फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। इस पे प्रैक्टिस कीजिए, मुख्तलिफ एरर जो आए उनको व्यू करें। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बहुत कोडिंग आसान हो और इंटरेस्टिंग हो। हम इसमें किस हद तक सक्सेसफुल हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।